आज टाइम पे कभी भी स्ट्रेटजी चेंज नहीं करनी चाहिए कि अगर सामने वाला क्या कह रहा है वैसे कर लो, ऐसे कभी नहीं करना चाहिए। लेवल नॉर्मल है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। यूपी में चुनाव हुआ था उसमें जो हारा है उसका पूछा है। सर इसमें कम समथिंग 15 मार्क्स की थी। संविधान से 25 से 28 वाला कौन सा संविधान है? सितारा देवी के संबंधित है। और मैथ कैसा लगा आपको आज? मैथ ईजी था भैया, मेरा फर्स्ट एग्जाम था पर पहले एग्जाम के हिसाब से बहुत अच्छा एग्जाम है। मैंने 65 ठीक है। वो मोहम्मद तुलक का आया था। समान अनुपात के दो क्वेश्चन थे। मेरा रहा है 68 है सर। आपका? मेरा 76 है। आपका सर? 52 याद नहीं है। ठीक है, बहुत हार्ड था। रोजगार में तंग वो तो है ही, लीजेंड है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं दीपक आप सभी का केवल सरकारी नौकरी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। और दोस्तों आज है 17 जनवरी और सेकेंड शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो चुका है। चलिए अपन डायरेक्ट कैंडिडेटों से बात करते हैं, जानते हैं किस लेवल का एग्जाम आ रहा है, कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। चलिए उन्हीं से डायरेक्ट बात करते हैं। आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? मैंने 62 सर। लेवल कैसा लगा एग्जाम का? लेवल ठीक रहा, जो पढ़ा है उसका है। सर कोई क्वेश्चन याद हो तो बताइए। सीखेगा जी के में जो अभी यूपी में चुनाव हुआ था उसमें जो हारा है उसका पूछा है। हारे वाले महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री नहीं आया था, उसके में बारे में आया था। कोई अनावरण किया मुंबई में उसका आया था। ऑप्शन में थे उद्धव ठाकरे को तो वही है। मैथ में जरूर, मैथ में बस है चोर प्लस से और ये एक और वो आ रहा नया टॉपिक आ गया मिश्रण। पांच क्वेश्चन पूरे बन रहा है। पांच मिश्रण से और चोर प्लस से पूरे पांच। चोर प्लस से दो। आपका भी एग्जाम था? हाँ। कितने अटेम्प्ट किए? मैंने 59। जीके का कोई क्वेश्चन याद हो तो बताइए। जीके का याद नहीं है, जीके बहुत हार्ड था। जीके हार्ड था। अच्छा सर मैथ में टॉपिक बताइए, टॉपिक के नाम बताइए। चाल दूरी से दो क्वेश्चन थे चोर पुलिस वाले और मिश्रण से तीन क्वेश्चन। मिश्रण से और डायमंड वर्क से तीन क्वेश्चन। डायमंड वर्क और एडवांस मैथ कैसा था? एडवांस दो क्वेश्चन थे। दो थे सर। नंबर सिस्टम आ रहा है? नंबर सिस्टम नहीं आ रहा। बोर्ड मास भी नहीं आ रहा। बोर्ड मास भी नहीं था। अच्छा रीजनिंग में किस टॉपिक से आ रहा है? कैलकुलेशन वाला। मेरे में ये करंट का क्वेश्चन आया था, जैसे कि तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री कौन है, जो नवंबर 2022 का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन याद हो तो बताइए। जीके का? जीके का क्वेश्चन और मैं याद कर रहा हूं। मैथ में किस टॉपिक से याद आ? मैथ में समान अनुपात के दो क्वेश्चन थे। हां और बस पूछ क्या कर रहे हो यार? अच्छा चलो हिंदी के दो पर्यायवाची। हां और बस आपने कितने अटेम्प्ट कर दिए? हमने 70 भाई। गंगा का और बादल का पर्यायवाची था। पर्यायवाद का था और ये संज्ञा सर्वनाम से क्वेश्चन थे 4। हां और भाई पर्यायवाची सबसे ज्यादा आ रहे हैं। अगर किसी बच्चे ने मुहावरे के दो हिंदी अगर अच्छी तरीके से पढ़ी हो ना तो 20 में से 20 की बना सकता है। खुद मुहावरा बनाओ। मुहावरा बनाओ पूरा। अच्छा अंकित वाटी सर ने किसी को पढ़ाया है? अरे अंकित वाटी वाले, अगर किसी ने अंकित वाटी सर की क्लास ली हो ना तो 20 में से 20 की हिंदी बना सकता है। मतलब अंकित सर ने जो गागर में सागर सीरीज पढ़ाई कितना फंस रहा है उससे बहुत अच्छा फंस रहा है। उसमें से हिंदी टोटल पूरी फंस रही है। पूरी फंस रही है। प्रैक्टिस सेट हो रहा है ये पीछे से उनसे बहुत बस रहा है। जो रिवीजन अच्छे से कर रहा है उसका बहुत अच्छा जा रहा है। अंकित सर के बारे में कुछ कहना चाहें तो दो शब्द कहिए। नहीं सर जी बहुत अच्छे पढ़ा रहे हैं, आगे उनको और पढ़ाना चाहिए और अच्छा विकास करना चाहिए, आगे बहुत कम नाम रोशन होगा उनका। चलिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैम आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? भैया मेरा फर्स्ट एग्जाम था पर पहले एग्जाम के हिसाब से बहुत अच्छा एग्जाम है। कोई क्वेश्चन याद हो तो बताइए। जीके का? जीके का इतना तो मेरे को ध्यान ही नहीं आया। मैथ के किस टॉपिक से याद है? मैथ में चक्रवृद्धि ब्याज के आए थे। हाँ। और उस परसेंटेज आई थी अच्छी खासी। लाभ हानि? हाँ वही तो आई थी, लाभ हानि भी आई थी। अच्छा। और बोर्ड मास से थे? हाँ बोर्ड मास से भी एक आया था क्वेश्चन। नंबर सिस्टम? और नंबर सिस्टम भी आया था बस। अच्छा रीजनिंग का बता दीजिए आप। रीजनिंग में कौन सा टॉपिक ज्यादा आ रहा है? रीजनिंग में जो ABCD वाले होते हैं वो वाले आए थे। सिटिंग वाले? और सिटिंग अरेंजमेंट भी आया था। ब्लड रिलेशन आया था? ब्लड वो मैं। अच्छा आपकी सब? हाँ आया था। हिंदी बहुत अच्छी थी। अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपने कितने जीके में? सितारा देवी कौन सा नृत्य करती है पूछा गया। और अभी यूपी के सांसद के बारे में पूछा गया था। और बताइए। और अभी 2022 में शायद कोई सा हिल है दिल्ली में। अच्छा अच्छा। उस पे किसी चीज का उद्घाटन हुआ था वो पूछा था किसने करा था। और पूछा था अभी शायद एक प्रधान मुख्यमंत्री के बारे में पूछा गया था साउथ का कोई बास है नाम था शायद। वो उसमें चार ऑप्शन थे कर्नाटक और तमिलनाडु पूछा गया था कि ये किसके मुख्यमंत्री रह चुके हैं अभी हटाए गए 2022। यही सब क्वेश्चन थे। अच्छा अच्छा। और सर मैथ कैसा लगा आपको आज?
मैथ इजी था उसमें चोर पुलिस के सर किस टॉपिक से ज्यादा टॉपिक के नाम बता मिक्सर इंडिकेशन से दो क्वेश्चन और टाइम इंडिकेशन से भी दो क्वेश्चन थे और टाइम इनवर से भी दो थे और एक ठोस गोले से क्वेश्चन आया था और एक बेलन से क्वेश्चन आया ट्रेन आई थी ट्रेन क्या हां नहीं ट्रेन से क्वेश्चन नहीं था नंबर सिस्टम नंबर सिस्टम से एक पूछा सबसे बड़ी संख्या पूछी थी चार संख्या दी थी उन्होंने पूछा था कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी जो इन चारों से बोर्ड मास से एक क्वेश्चन था अच्छा रीजनिंग में क्या आ रहा है ज्यादा रीजनिंग में दो क्वेश्चन तो वो बैठाने बैठक वाले थे और बस कोडिंग डिकोडिंग बहुत ईजी थी करीब तीन क्वेश्चन थे नंबर सीरीज के नंबर सीरीज के एक क्वेश्चन था ब्लड रिलेशन के कितने थे ब्लड रिलेशन के उसमें एक ही क्वेश्चन था आकृति और मिरर वाले कितने थे मिरर का एक ही क्वेश्चन था मिरर इमेज वाला और आकृति से भी एक क्वेश्चन था सर हिंदी कैसी आ रही है हिंदी नहीं इंग्लिश सर आपने इंग्लिश ली थी इंग्लिश में सर क्या क्या आ रहा है इंग्लिश में एक तो वही क्लोजेस था और वही ईडियम्स थे और वन वर्ड एक ही था ईडियम्स भी एक ही था और बाकी दो हाँ बुके बहुत ईजी बुक थी दो तीन बुकैप के क्वेश्चन थे और स्पेलिंग वाले क्वेश्चन थे और एक्टिव पैसिव नहीं था अच्छा मतलब इसमें पैसे जाता है कोई पूरा पैसे नहीं क्लोज थे अच्छा 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 और सर जिन युवाओं का आगे एग्जाम है आपने कुछ बताना चाहें कुछ नहीं इजी पेपर थोड़ी प्रैक्टिस स्पीड को मेंटेन करके रखिए अच्छा मतलब सर मतलब किस सेक्शन को पहले हल करें तो सही रहे एग्जाम में मैंने तो पहले मैथ ही हल किया उसके बाद रीडिंग और फिर बाद में मैंने इंग्लिश के आखिरी में जीके करा अच्छा सर आपके हिसाब से मतलब जो आपकी शिफ्ट थी इसका कितना कट ऑफ जा सकता है इसका कट ऑफ जैसे जनरल का बोलो तो करीब 50 प्लस ही जाएगा क्वेश्चन में अच्छा जिसने मतलब 55-60 किए वो अटेम्प्ट हाँ मतलब क्वेश्चन ईजी था वैसे हाँ ईजी था अच्छा चलिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए मैंने 67 अटेम्प्ट किए अच्छा, लेवल कैसा लगा लेवल नॉर्मल है बिल्कुल भी हार्ड नहीं है सर जीके का कोई क्वेश्चन याद हो तो बताइए जीके का क्वेश्चन था सितारा देवी के नृत्य से संबंधित है और कुछ और ये कर्नाटक के सीएम थे बसवराव बम्बई और कुछ और एक नृत्य था संविधान से आर्टिकल से कुछ आ रहा है हाँ 25-28 ये कौन सा संविधान का आर्टिकल वो था अच्छा सर उसके बाद हिस्ट्री से क्या आया था हिस्ट्री से नहीं आया इस बार नहीं आया सर इकोनॉमिक्स से कुछ आ रहा है इकोनॉमिक्स से था मुझे क्वेश्चन याद नहीं सर मैथ में बताइए सर किस टॉपिक से ज्यादा मैथ में टॉपिक तो लगभग सभी से वही आ रहे हैं जो हार्ड क्वेश्चन थोड़ा यार भाई एक मिनट रुक जाओ दादा हार्ड क्वेश्चन आ रहे हैं ना वो मेंसुरेशन से आ रहे हैं दो क्वेश्चन वो छोड़ने लायक क्वेश्चन है कैलकुलेशन में कुछ सिंपल टॉपिक बता दीजिए किससे ज्यादा आ रहा सिंपल सवाल हां सिंपल सवाल रेशियो के थे दो क्वेश्चन और लाभ हानि के थे नंबर सिस्टम का एक था LCM SCF का था बोर्ड मार्क्स का एक नॉर्मल क्वेश्चन था गाड़ी वाले थे ट्रेन से थे अच्छा सर एडवांस में कितने नंबर का आ रहा है एडवांस में तो मेंसुरेशन हां 3-4 नंबर का 3-4 था जी के मतलब अपना बताइए अब रीजनिंग से किस टॉपिक से अच्छा आ रहा है रीजनिंग से मतलब जो कैलकुलेटिव है वो है अपनी ये पंक्ति वाला दो क्वेश्चन थे दोनों कैलकुलेटिव थे बाकी नॉर्मल सेटिंग वही सिटिंग वाला पंक्ति वो सिटिंग ही होता है कोडिंग डिकोडिंग कैसी आ रही है नॉर्मल सभी नॉर्मल एकदम इजी पैटर्न सर और उसके बाद घड़ी कैलेंडर तो नहीं आ रहा होगा ना कैलेंडर नहीं है क्लॉक वगैरह आकृति वगैरह आ रही है हिंदी कैसी आ रही हिंदी हिंदी नॉर्मल बहुत नॉर्मल सिंपल मतलब कोई बताइए हिंदी का कोई सवाल हो तो घोड़े अब आगे घोड़े पर सवार होना ये फिलिंदा विलिंग था अच्छा आ रहा सर जिन कैंडिडेट का आगे एग्जाम आपने क्या बताना चाहिए वही ये नॉर्मल पेपर आ रहा है जो सेट करा रहे हैं RW वाले कुछ भी अंकित सर के बारे में कुछ बोलना चाहे तो बोलिए रोजगार भी अंकित वो तो है ही लीजेंड है बाकी वही पूरा पैटर्न ऐसा लग रहा है पेपर आउट कर देते हैं आउट कर देते हैं चलिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए 64 किए थे 64 सर लेवल कैसा लगा एग्जाम का मैं तो जीके का ही हार्ड था मतलब मॉडरेट बोल सकते हैं बस मैं तो हार्ड आया था कि इजी आया था मॉडरेट बोल सकते हैं मतलब अच्छा जीके कैसी रही था जीके तो सबकी रहती है वैसी ही रहती है जीके का कोई क्वेश्चन याद हो तो बताइए कहाँ से क्या आ रहा है जीके के याद है ना हाँ बताइए कहाँ से जैसे अपना कर्नाटक का मुख्यमंत्री आया था और अपना उत्तर प्रदेश का वो आया था अपना आजमगढ़ से मतलब कौन जीता जल विश्व में जल का क्या कितना परसेंट है ऑप्शन थे 4% 10% कुछ ऐसा ही था 14% 8 संविधान से क्या है संविधान से 25-28 वाला कौन सा संविधान है मतलब सुसल के जाए ओवरऑल सर करंट अफेयर कितने नंबर की आ रही है करंट अफेयर 2022 की तो एक ही नंबर की वो तो पहले भी नहीं आती थी ना इस बार आई है कल आई थी फीफा वर्ल्ड कप आया था और एक क्वेश्चन क्रिकेट से था कि
बॉल अगर अपन छोड़ देते जो है बिना बॉल बल्ला से टच हुए बिना बैट से टच हुए। मुझे क्रिकेट के बारे की कोई नॉलेज नहीं है। अच्छा वाइड बॉल थी। उसके बाद सर मतलब अपना हिस्ट्री कितने नंबर का आ रहा है, ये क्या दो तीन हिस्ट्री तो नहीं और सी आई से आया था और देखो दो सी आई से दो क्या कहते हैं उससे थे चोर पुलिस से थे और दो मेंसुरेशन से थे और दो क्वेश्चन परसेंट क्वेश्चन आया था दो थे वाला था और दो दे दो और एक उसका था कार और वो वाला कि ये दो दे दो थे पार्टनर से बाहर है सर पार्टनर से नहीं आया था औसत नहीं आया था नंबर सिस्टम सबसे बड़ी विभाजित संख्या 3, 8, 12, 24, 36 सबसे बड़ी विभाजित नहीं है। एडवांस मैथ में क्या आ रहा है? एडवांस में से मेंसुरेशन 3D वाला आए थे, दो क्वेश्चन आए थे, एक गोले का आया था और एक बेलन का आया था। 50% बढ़ाया जाए तो रेशियो में आई थी बेलन का रेशियो। रीजनिंग में बात कर लेते हैं, रीजनिंग में किस टॉपिक से याद आ रहा है? रीजनिंग में दो सिटिंग अरेंजमेंट थे और आकृति थी दो और कोडिंग रिकॉर्डिंग थी। देखो ओवरऑल बोले ना तो नॉर्मल ही थी रीजनिंग, तो बहुत नॉर्मल। जीएसटी 2022 की मतलब करंट अफेयर कुछ भी नहीं पूछा उसने। एक क्वेश्चन था नवंबर का कि क्या कहते वही मुख्यमंत्री किसको बनाया बस वही कर्नाटक वाला। हिंदी में बताइए मतलब हिंदी में दो सर्वनाम से थे और विलोम सब सिंपल थे। गंगा का पर्यायवाची था क्या? गंगा का पर्यायवाची नहीं है। पर्यायवाची कौन सा नहीं था? गंगा जो तीन ऑप्शन थे वो उसके थे, एक नहीं था। अच्छा विलोम में क्या आया? विलोम में पयोद का पर्यायवाची विलोम नहीं आया। विलोम नहीं आया। दो मुहावरे आए थे जो उनको पूरा करना था। जैसे घोड़े का आया था कि घोड़ी की रफ्तार, घोड़ी की रफ्तार मतलब पहले हवा में तेज में ऐसे तेज में। अच्छा क्रिया विशेषण जो आया एक क्वेश्चन आया था गद्यांश कैसा आया आपके? गद्यांश थोड़ा था, ऑप्शन मतलब वो थे सेम थे, लग रहे थे मतलब ये हिंदी में कितने क्वेश्चन सही हो सकते हैं? मतलब लगभग 16-17 के आसपास रीजनिंग का है। हाँ सर मतलब आपके हिसाब से सिर्फ का कितना कट ऑफ बन सकता है दूसरी बारी का? 105-110 हो तो 100+ तो नहीं। अच्छा 100+ होना चाहिए। अच्छा आप लोगों का स्कोर कितना रहा? मेरा रहा है 68 है सर। आप 64? आपका? मेरा 76 है। आपका सर? 52 मतलब सर जिन युवाओं का आगे एग्जाम है आप उन्हें क्या बताना चाहेंगे? कुछ नहीं बताइए मतलब किस टॉपिक से क्या क्या पढ़े आगे? देखो पेपर तो ऐसा है चेंज होता रहता है। मतलब मॉक टेस्ट होता है जितना लगाया प्रैक्टिस सेट बहुत लगाया। प्रैक्टिस तो करो, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो टाइम नहीं कर पाओगे। यहाँ पे टाइमिंग का खेल है, सबसे बड़ा मतलब सर मतलब किस सेक्शन को पहले हल करें? सबसे पहले तो जो मतलब आपको जीएस जीएस रीजनिंग जो उठा के ले मतलब सबसे आखिरी में करें। मैथ के लिए टाइम चाहिए ना सबसे ज्यादा। मतलब सर अगर अपन से कोई सवाल नहीं बन रहा तो उसको बार बार सॉल्व करेंगे? छोड़ दो उसको, टाइम नहीं बचता इतना। अगर एक मिनट में एक सवाल में अपन 4-5 मिनट लगा देंगे तो बचेगा क्या अपने पास? और देखो स्ट्रेटजी तो कोई नहीं है, सबकी अपनी अपनी होती है, जिसको जैसा अच्छा लगता है वो वैसे करे। और लास्ट टाइम पे कभी भी स्ट्रेटजी चेंज नहीं करनी चाहिए कि अगर सामने वाला क्या कह रहा है वैसे कर लो, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। जैसा तुम मॉक में करते हो या जैसा तुम्हारा डेली रूटीन है वैसा ही करे, ऐसे डेली चेंज नहीं कर रहे हो ना। वैसे मतलब तुम पहले रीजनिंग कर रहे हो, मैथ कर रहे हो, जो तुम करो अभी तक इससे पहले एग्जाम्स में, और जो फर्स्ट अटेम्प्ट कर रहा है वो अपने हिसाब से करे, उससे क्या अच्छा आता है। जैसे मैथ अच्छी आती किसी को तो मैथ करे, किसी को जीएस अच्छी है तो जीएस करे। घर में सागर सीरीज देखी किसी ने? मैं उसी से पढ़ा। अच्छा, आप उसी से पढ़े से मतलब ये बताइए सर घर में सागर कितनी सीरीज फंस रही है? मतलब 70-80% फंस रही है। अच्छा सर अंकित सर के बारे में कुछ कहना चाहें तो बताएं। हाँ सर, उन्होंने जो मैथ पढ़ाया तो सब उसी में से पढ़ रहा है। और नवीन सर नवीन सर की जो जी की पढ़ाई थी मतलब अलग उसी में से ही है। और हिंदी तो फिर उसी में पूरा हिंदी तो बस उसी में से आया है। चलिए सर आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। 53 अटेम्प्ट किए सर, आपको लेवल कैसा लगा एग्जाम का? अच्छा लगा है, बहुत शानदार है। अच्छा शानदार था। जीके का कोई क्वेश्चन याद हो तो बताइए। जीके का क्वेश्चन है एक 2022 का जो मुंबई में वो है ना
मुख्यमंत्री। अच्छा और कोई अच्छा ये वैसे करंट में ये करंट में कोई क्वेश्चन नहीं था, क्वेश्चन था लोक नृत्य, लोक नृत्य लोक नृत्य में आया था, सरता का आया था। किसका आया था? सरता का वो कथक है उसमें। अच्छा 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 कथक का आया था। उसमें हिस्ट्री कितने नंबर की लगी? हिस्ट्री में शायद इतना मेरे को ध्यान नहीं गया। संविधान आर्टिकल के 2000 कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? संविधान आर्टिकल संविधान में तो थोड़े कम ही आ रहे हैं, लेकिन चल रहा है। सर आप मैथ में बताइए, मैथ अलग अलग पेपर का। हाँ हाँ, मैथ में कौन सा टॉपिक ज्यादा आ रहा है? मैथ में कोई टॉपिक ज्यादा नहीं है, सभी आ रहे हैं, सभी अच्छा ही है सभी। अच्छा रीजनिंग भी कल, लेकिन पढ़ने में थोड़ी बहुत टाइम लगती है ना, अच्छी है वैसे। सर हिंदी कैसी आ रही है? हिंदी भी बढ़िया अच्छी है, शानदार है, अभी इस पेपर में तो अच्छी आई है। अच्छा चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? तो 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। सर लेवल कैसा लगा एग्जाम का? सर मैथ का लेवल थोड़ा हार्ड था, बाकी रीजनिंग भी ठीक ही थे। अच्छा ठीक ही सर। जीके हाँ। का मतलब कैसा क्या आ रहा है? जीके इजी था सर, जीके और हिंदी इजी था। जीके का सर कोई क्वेश्चन याद हुए का बता दीजिए। सर जीके का क्वेश्चन एक वो यूपी का सांसद चुनाव था जो आजमगढ़ वाला, वो याद है, वहाँ से कौन जीता था, और भी बहुत से क्वेश्चन थे। साउथ का कोई वो मुख्यमंत्री पूछा था कर्नाटक का? हाँ वो विश्वा कुछ करके पूछा था, विश्वा। हाँ सर लोक नृत्य का क्वेश्चन कोई आ रहा है? लोक नृत्य का क्वेश्चन था सर वो ये पत्ता को, हाँ सविता दत्ता करके कुछ था। ऐसा था मतलब। करंट अफेयर कितने नंबर का आ रहा है लगभग? करंट अफेयर सर करंट अफेयर नहीं था सर, इसमें जीके था जो भी था। मतलब हिस्ट्री कितने नंबर का होगा कम से कम? हिस्ट्री सर इसमें कम समथिंग 50 मार्क्स की थी। हाँ सर आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? सर 62 करेंगे। 62 सर लेवल कैसा लगा एग्जाम का? सर अच्छा था, मैथ को थोड़ा लेवल थोड़ा टफ था। मैथ इस बार कठिन हो गया। सर जी के कैसी आई? जी के अच्छे है। कोई क्वेश्चन याद हो तो बताइए एक आज। सर ऐसे की आई थी अपनी सरल भाषा कौन सी है? सबसे सरल भाषा। सरल भाषा कौन सी? और करंट का? करंट का सर इतना याद नहीं। सर हिस्ट्री थी? हिस्ट्री थी। अच्छा मैथ में किस टॉपिक से याद आए? मैथ में सर वही प्लस माइनस वाला था, जैसे कि राम राम की बेटी कौन है। हाँ ये ऐसा हरी सिटिंग अरेंजमेंट थी, बैठक वाली बैठक नहीं। रक्त संबंध भाई आपने बता दिया। और इसका घड़ी कैलेंडर आया कि नहीं? नहीं आया सर। नहीं आया। मैथ में क्या लाभ हानि आया? गोल वाला आया, गोल व्रत वाला ऐसे गोल वाला। हाँ हाँ लाभ हानि मैथ में क्या आया था सर? इतना ही होता है। चलिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर मैथ कैसा था? मैथ का सर लेवल बहुत हार्ड था, बहुत टफ था। किस टॉपिक से याद आ रहा है? अनुपात के हिसाब से आ रहा हूँ। हाँ, अनुपात वाले क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। लाभ हानि वाले थे? लाभ हानि में भी थे, लाभ हानि के ज्यादा नहीं थे, दो तीन क्वेश्चन। ट्रेन वाले? ट्रेन अपनी रेलगाड़ी? नहीं रेलगाड़ी वाला सर अटेम्प्ट नहीं कर पाया मैंने, था तो लेकिन उसका अटेम्प्ट नहीं किया मैंने। एडवांस मैथ कितने नंबर का था? एडवांस मैथ सर तीन क्वेश्चन थे क्या? इतने ही थे। नंबर सिस्टम कुछ एडवांस आ रहा है? नंबर सिस्टम से तो 60 अटेम्प्ट करें उसमें से अब देखो कितना मिलता है, माइनस मार्किंग भी थी। सर रीजनिंग मतलब कौन सा टॉपिक ज्यादा मिला आपको? रीजनिंग में तार ये एक तो वो कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग, बैठक वाले दो क्वेश्चन थे बैठक वाले। नंबर सीरीज भी था? नंबर सीरीज भी था। सर हिंदी कैसी रही? हिंदी बहुत इजी था। हिंदी तो मेरी 20 क्वेश्चन थे हिंदी के, जिसमें से 19 तो पूरे प्रॉपर सही है, एक में मुझे डाउट है। चलिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मैम आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? मैंने 65। मैम लेवल कैसा लगा एग्जाम का? अच्छा लगा। अच्छा था, करेंट अच्छी थी। करेंट अच्छा। मैं जीके का कोई क्वेश्चन याद हो तो बताइए। कल जीके का? हाँ हाँ क्वेश्चन याद है। कहेगा हिस्ट्री इतिहास में कुछ आया था? हाँ आया था। मैथ में किस टॉपिक से याद आ रहा है? मैथ में वो वाली लाभानी था। हाँ परसेंटेज। ट्रेन वाले थे? ट्रेन वाले नहीं, ट्रेन वाले नहीं। एडवांस में था कोई त्रिभुज आयत शंकु वगैरह? हाँ आयत। अच्छा अच्छा रीजनिंग में किस टॉपिक से आता? रीजनिंग नहीं आई। बैठक वाले थे, छह लोग बैठे हैं। हाँ हाँ। अच्छा रक्त संबंध? हाँ अच्छा वो भी थे। क्योंकि हम घड़ी कैलेंडर आया था? नहीं नहीं आया। ये नहीं आया था मैंने। डिकोडिंग जो ABCD अल्फाबेट आए थे? अच्छा आए थे। उसके बाद होल्डिंग वाले थे, आकृति वाले? हाँ थे। अच्छा वो भी। हिंदी कैसे थे? हिंदी कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आई। गद्यांश आता 5 नंबर का, सरल था कठिन था? वो सही था गद्यांश। ब्लॉम शब्द थे कोई? ब्लॉम शब्द। हाँ पर्यायवाची। चलिए शुद्ध बात। अच्छा अच्छा। और चैनल के माध्यम से और कुछ बताना चाहें बच्चों? कुछ नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? मैंने क्वेश्चन किए सर 65 क्वेश्चन किए। अच्छा सर लेवल कैसा था एग्जाम का? लेवल टाइट था कुछ। मतलब जीके सरल आई कि थोड़ी कठिन थी? हाँ जीके सरल थी। सर कोई क्वेश्चन याद हो तो बताइए। कुछ क्वेश्चन थोड़े बहुत याद थे। एक आध तो याद हो। लोक नृत्य आया था कोई? लोकमन आया था। अच्छा अच्छा। मतलब मैथ में किस टॉपिक से याद आ रहा है? मैथ में बहुत कठिन दिया पेपर में। हाँ। बहुत ही कोई टॉपिक का नाम बताओ, लाभ हानि कुछ टॉपिक में बहुत ही क्वेश्चन। अच्छा रीजनिंग? रीजनिंग ठीक थी, मतलब
कट कट के क्वेश्चन दिए सब में जीके में, और जीके में पूछा था कि ताजमहल किसने, ऐसे कुछ थोड़े बहुत नॉर्मल क्वेश्चन थे, कुछ स्टार्ट में आया था मैथ में सबसे। हिंदी कैसी लगी आपको? हिंदी भी ठीक थी। हिंदी भी गद्यांश कैसा आया था जो पाँच नंबर का आता है? गद्यांश बहुत हार्ड था। हार्ड बहुत सबसे आना इस बार में पेपर को बहुत हार्ड कर दिया, इस बार पेपर में बहुत सबसे हार्ड हार्ड किया है। चलिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भाई। आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? 60 सर। लेवल कैसा था एग्जाम का? अच्छा था। अच्छा था। कोई क्वेश्चन याद है जीके का? जीके का वो मोहम्मद तुगलक का आया था। मोहम्मद तुगलक और सर जा रहे हैं हम लोग। और आया था सर मैथ में, बता दी जल्दी जल्दी मैथ में कौन से टॉपिक आए थे? मैथ में लाभानी बताइए, आप बताइए। रेलगाड़ी आई थी, रेलगाड़ी की आया था। रेलगाड़ी और चलो इसमें आ जाएगा।